हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान विद आदित्य चैनल। हियर वी लर्न बेसिक इंग्लिश इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस दैट दीज दोज। आज की वीडियो में हम दिस दैट दीज दोज के बारे में जानेंगे और इनके क्वेश्चनों के आंसर कैसे दिए जाते हैं इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। तो अगर आपको ये जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। अब हमारे चार टर्म होते हैं। क्या टर्म होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज। इनको हम थोड़ा हिंदी में लेके चलते हैं। देखिए, कोई चीज़ जब हमारे पास में होती है तो हम क्या कहते हैं? यह मेरा है, यह मेरे मार्कर है ना, यह मेरा है। ऐसा हम यह यूज़ करते हैं हिंदी में टर्म, जब हमारी चीज़ कोई पास में होती है। और जब कोई चीज़ दूर होती है तो क्या कहते हैं हम? वह घर मेरा है। दूर की डायरेक्शन को बताने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं और पास की पोजीशन को बताने के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर पास दूर पास में बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसके लिए हम ये का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी मेरे हैं, है ना। और अगर वही चीज़ दूर में होती है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दोज के लिए हम हिंदी में क्या यूज़ करते हैं? वे। अब इसके साथ एक और चीज़ समझिए। देखिए, नियर का मतलब क्या होता है? नियर का मतलब होता है जब आपके पास कोई चीज़ होती है। ठीक है, आपके पास कोई चीज़ है तो उसे नियर कहते हैं। जब नियर हो कोई चीज़ आपके पास हो तो दिस का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर में। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? अगर वो एक है, अगर एक है दिस इज़ अ पेन, अगर मैं इसे कहूँगा दिस इज़ अ पेन तो यह मेरा पेन, यह एक पेन है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर दीज लगा दूंगा, ये भी नियर के लिए ही यूज़ किया जाता है। नियर का मतलब क्या है? पास की चीज़ के लिए। अगर मैं क्या कहता हूँ? दीज आर माई पेन्स, ये मेरे पेन है, ये मेरे पेन जो है ये मेरे पास में है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, ये मेरे पास में है। तो पास के लिए दिस और दीज का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और अगर वही चीज हमारी दूर में है, जैसे मान लीजिए ये पेन दूर रखा है, तो मैं क्या कहूंगा? दैट इज माई मार्कर, दैट इज माई पेन। दैट क्यों लगा? क्योंकि वो चीज दूर है। तो दूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फार। तो ये फार के सिंगुलर में इस्तेमाल किया जाता है और ये फार के प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे आशा है ये समझ में आ गया होगा। दिस का मतलब पास में है, दैट का मतलब दूर में, सिंगुलर चीज। दीज का मतलब पास में है, प्लूरल चीज, और दोज का मतलब है दूर है कोई, प्लूरल चीज। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। जैसे यह दिस इज एन एलिफेंट, ये क्या है? एक एलिफेंट है। तो इसका हिंदी में क्या हुआ? यह एक एलिफेंट है, जो कि जहां पे सेंटेंस बोला जा रहा है उसके पास में है। अब ये कह रहा है दैट इज अ बैट, दैट इज अ बैट का मतलब क्या है? कि वो सेंटेंस, वो बैट जो है वो दूर रखा हुआ है, दूर की लोकेशन पे है, फार में है वो चीज। ठीक है, दैट इज अ बैट, वह एक बैट है। यह एक हाथी है, वह एक बैट है। दिस इज अ काउ का क्या होगा? दिस है तो क्या है? यह एक गाय है। ठीक है, और दैट इज अ पिकॉक, वह एक मोर है। तो यह और वह का तो आपको हिंदी में पहले से क्लियर होगा। यही जो यह और वह होता है वो इंग्लिश में दिस और दैट बन जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो हमेशा जो आंसर होगा वो दिस से ही शुरू होगा। क्या होगा? दिस इज अ पेन, यह क्या है? एक पेन है। तो क्वेश्चन में याद रखिए, अगर पूछा जाएगा व्हाट इज दिस, दिस पे खत्म होगा तो दिस से ही आंसर शुरू होगा, दिस इज अ पेन। अगर इसी तरह पूछा जाता है व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो वही आंसर होगा, क्या होगा? दैट से शुरू होगा। दैट इज अ चेयर, वह क्या है? चेयर है। यह क्या है? वह क्या है? यह क्या है? वह क्या है? समझ आ गया ये पूरा? अब आगे बढ़ते हैं। दीज आर ऑक्स, दीज आर, ये सभी क्या है? बैल है। दीज आर ऑक्स, दोज आर काउज, वे क्या है? वे जो है वो गायें हैं। क्या है? गाय, एक से ज्यादा होती है गायें। ये प्लूरल में यूज किए जाते हैं, ये सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। तो ये दोनों समझ आ गए होंगे। दीज आर ट्रीज, ये सभी क्या है? ये सभी पेड़ हैं। ठीक है, दोज आर बर्ड्स, वे सभी क्या है? वे सभी हमारे चिड़िया हैं। ठीक है, बर्ड्स है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब यही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर दीज, तो आंसर में क्या होगा? समझ गए होंगे आप, दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं। अगर इसको हम हिंदी में करेंगे तो क्या होगा? ये बिल्लियां हैं। व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, वो क्या है? वे जो है वे क्या है? तो यहां पे दोज आएगा। दोज आर एलिफेंट्स, वो एक हाथी है। ठीक है, मतलब बहुत सारे हाथी हैं। और आपको पता है आर का इस्तेमाल जो किया जाता है वो प्लूरल में ही किया जाता है। ठीक है, और अगर इज का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे तो इज हमारा सिंगुलर में इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर पर्सन में। तो इज वाले हमारे सिंगल चीज़ें होती है। अगर कहीं पे आर आ रहा है तो उसका मतलब है वो प्लूरल है। और वैसे यू के साथ भी आर आता है, तो यू के साथ की तो कहानी आपको पता ही होगा।
कि यू और आई दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर नियर सीखा कि नियर क्या होता है, फार क्या होता है, दिस का यूज़ क्या होता है, दैट का यूज़ क्या होता है, दीज का यूज़ क्या होता है और दोज का यूज़ क्या होता है, और इसके क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखते हैं। लिखते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिए, जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से शुरू होता है। ओके, तो मुझे आशा है इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, ये इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह की अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह लगातार बनिए ही रहिए। बेसिक इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश की भी वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार अपलोड होती रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरू से हिंदी, गणित और मैथ सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं।